हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवा से भर्ती आई हुई है, जिसमें लगभग 2900 प्लस पदों पर भर्ती आई है। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो केवल हाई स्कूल पास मांगा गया है आपसे। तो देखिए, इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक पोस्ट आई हुई है, दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ठीक है। और जो थर्ड है वो है डाक सेवक की, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में डाकिया होता है, जिसको हम डाकिया बोलते हैं, वो घर घर जाकर चिट्ठी देता है या जो भी पोस्टल आते हैं उनको प्रदान करता है, जो भी ग्रामीण लोग होते हैं या जहां भी होता है वो उनको प्रदान करता है। तो ये तीन भर्ती आई हैं। इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बोला गया है उसमें बोला गया है कि केवल हाई स्कूल मांगा गया है आपसे, लेकिन इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। सिंपल है, हाई स्कूल के जो भी आपके मार्क्स होंगे, जो भी परसेंटेज होगी, उसी आधार पर इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो ये देख लें कि उनका परसेंटेज क्या है, क्या वो 60-70-80% के आसपास हैं। क्योंकि 70% के नीचे जो भी अभ्यर्थी हैं, मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि वो फॉर्म ना फिल करें, क्योंकि इसमें परसेंटेज आधार पर होना है। तो लगभग 80% के ऊपर जो भी अभ्यर्थी हैं वही इसमें सिलेक्ट होंगे। आप ही जानते हैं कि परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होनी है, सिर्फ परसेंटेज आधार पर ये सिलेक्शन होना है। तो जनरल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 80% के ऊपर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आप देख लें, आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और जो एससी एसटी या रिज़र्व कैटेगरी है, उसके 70% के ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर दें फॉर्म फिल। 33% से जो पास हुआ है वो भी कर सकता है, लेकिन उसके सिलेक्शन के चांस ना के बराबर ही होंगे, क्योंकि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है जिसमें आप अपना, अभी आपने अगर कोई अच्छा पढ़ाई किया है या आपने बाद में अपने आप में सुधार किया है तो आप अभी इस परीक्षा में कुछ दिखा पाएँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ जो आपके हाई स्कूल के मार्क्स हैं उसी आधार पर सिलेक्शन होना है। तो आप देख लें, और फीस जो है इसकी वो मात्र 100 रुपये है। तो ऐसा कुछ विशेष जाने नहीं वाला है, आप डालना चाहें तो फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी काफ़ी कम होती है बाकी सेवाओं की अपेक्षा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की है तो सैलरी बहुत ही कम होती है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें आप अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करके, मतलब पास करके उनको, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और सैलरी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप देख लें फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। थैंक यू, यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था।